हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ रॉयल राजपूती पोशाक का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर वाली पोशाक है। इसमें आप देख सकते हैं इस पोशाक का कपड़ा है चुनरी का है और ये पोशाक का जो कपड़ा है वो प्योर का है। ये पोशाक हमने लोकल मार्केट से परचेज करी है ओनली 4000 रुपीज़ में। इस पोशाक के ऊपर गोटापत्ती का वर्क करा हुआ है और साथ ही साथ कुंदन का भी वर्क है। कुंदन का वर्क है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ चौड़ा बॉर्डर बना हुआ है, उसके ऊपर बड़े बूटे और सारी कलियों के ऊपर गोटापत्ती की लेस बनी है और पूरे लहंगे पर छोटे छोटे से कुंदन के वर्क करे हुए और गोटापत्ती के फ्लावर बने हुए। इस वर्क से ऐसा लग रहा है लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, लेकिन इसका वेट जो है वो बहुत ही लाइट है क्योंकि उसके ऊपर गोटापत्ती का वर्क करा हुआ है। इसके साथ ही कुर्ती और कांसली है, कुर्ती के ऊपर वर्क करा हुआ है आगे की साइड में आप देख सकते हैं और कांसली के स्लीव्स पर भी वर्क करा हुआ है। चलिए अब हम सेकंड नंबर वाली पोशाक देख सकते हैं। इसका कलर जो है येलो हनी कलर का है। पूरे लहंगे पर आप देख सकते हैं मिरर और कुंदन वर्क है और साथ ही साथ ऊपर की तरफ दो पत्तियां बनी हुई है उनमें गोटा पत्ती का भी वर्क है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे से कुंदन बने हुए हैं और इसके ऊपर जो है वो मिरर वर्क है। नीचे चौड़ा बॉर्डर बना हुआ है, उसके ऊपर मिरर वर्क है, उसके ऊपर फिर से डिजाइन बनी हुई है बेल की और उसके ऊपर पत्तियों की डिजाइन बनी हुई है और पत्तियों के अंदर गोटा पत्ती का भी वर्क है। इस पोशाक का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये पोशाक बहुत ही सुंदर लगती है दिखने में। कुर्ती है इसके साथ, कुर्ती पर भी आप देख सकते हैं कुर्ती की चाक पर और आगे की साइड और गले पर पूरा हैवी वर्क करा हुआ है। कांसली के स्लीव्स पर भी वर्क आया है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही रॉयल है। ये सारी ड्रेसेस अगर आप पार्टी में पहनेंगे, किसी बड़े फंक्शन में पहनेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। ये ड्रेस भी हमने लोकल मार्केट से परचेज करी है। चलिए अब हम थर्ड नंबर वाली पोशाक देख सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट कलर है। इसमें कुंदन का और प्योर गोटापत्ती का वर्क करा हुआ है। इसमें गोटापत्ती का वर्क ज़्यादा है और कुंदन का वर्क कम है। नीचे की तरफ बेल बनी हुई है, उसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं और फिर बड़े बूटे हैं सारी कलियों में और सारी कलियों की सिलाई करी हुई है। अगर आप इन पोशाक की सिलाई के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पोशाक भी हमने लोकल मार्केट से ही परचेज करी है। सारी कलियों पर गोटापत्ती की बेल बनी हुई है और पूरे लहंगे पर कुंदन लगे हुए हैं और साथ ही छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं। इन पोशाक में हमने इस तरीके से अस्तर अटैच किया लहंगों में कि ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहता, चारों तरफ से जॉइंट है। इसके साथ ये कुर्ती है, कुर्ती के चाक पर वर्क बना हुआ है, बीच में बड़ा बूटा बना हुआ है और गले पर भी वर्क आया है। सेम वैसा ही है जैसा लहंगे पर है और कांसली की स्लीव्स पर भी वर्क आया है। ठीक है, ये हो गई तीन नंबर वाली पोशाक। चलिए हम फोर्थ नंबर वाली पोशाक देख सकते हैं। ये दो शेडेड कलर में है और ये भी हमने लोकल मार्केट से परचेज करी है। इसमें आप देख सकते हैं हैवी कुंदन का वर्क करा हुआ है और साथ ही साथ मिरर का भी वर्क है और पूरे लहंगे पर छोटे छोटे से बूटे बने हुए हैं बहुत ज़्यादा सारा और साथ ही छोटे छोटे से कुंदन भी लगे हुए हैं। ये दो कलर की पोशाक है तो हमने इसमें अस्तर भी दो शेडेड कलर में ही लगाया है। ऐसा नहीं कि बीच में काट के लगा दिया, हमने दो कलर का अस्तर लगाया है। अगर आप इस तरीके की पोशाक की सिलाई के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके साथ कुर्ती है, कुर्ती पर भी दो शेडेड कलर है और सेम वैसा ही वर्क है जैसा लहंगे पर है और कांसली के स्लीव्स पर भी वर्क आया है। थैंक यू।